Assalamu alaikum dear friends, today the purpose of this video is to determine tension in uniform vertical circular motion. Determine T tension in uniform vertical circular motion. So ab hum kaise malumat कैसे मालूम कर सकते हैं, मतलब कि टेंशन इसी पॉइंट पे कितना होगा, उसी पॉइंट पे कितना होगा, मतलब डिफरेंट पॉइंट सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पेशल वर्टिकुलर. तो आइए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ. सपोज देर इज़ ए बॉडी विच मूव्स विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्टिकुलरली विद अर्थ. सो I have taken different points at this circle. One is point 1, point 2, point 3 and point 4. The point 1 is the highest point, let's say highest point. This is just horizontal point with the earth, and this is the lowest point with the earth. Lowest point in the circle, and this is the point third, the fourth point. This is the third point which makes an angle with the horizontal line, perpendicular line means theta. So ab hum find out karte hain ki highest point pe tension ki value kis tarah hum find out karte hain. So point 1 maine name diya hai, to aaiye aaj main aap logon ko explain karta hu पॉइंट वन की बात, मतलब हाईएस्ट वाली. तो एम स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू, मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू. वाई टी प्लस डब्ल्यू, बिकॉज इन दिस केस वेट एक्ट्स डाउनवर्ड एंड आल्सो टेंशन इज डाउनवर्ड. सो बोथ आर पैरेलल, देन वी से टेंशन प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम स्क्वेयर बाई आर. एंड टेंशन, हमने तो वहाँ टेंशन की बात की, टेंशन इज इक्वल टू एम स्क्वेयर बाई आर माइनस डब्ल्यू मीन वेट. अंडरस्टैंड, एम स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन. पॉइंट फोर, पॉइंट फोर मैं यही बात कर रहा हूँ, जो कि बोथ जो कि जस्ट इज द लोएस्ट पॉइंट इन द सर्कल, वर्टिकुलर सर्कल, वर्टिकल सर्कुलर सर्कल मोशन है ना. तो एम स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू. तो यहाँ लोग कहेंगे कि आपने डब्ल्यू को क्यों नेगेटिव लिया, टेंशन को नेगेटिव क्यों नहीं लिया. तो आइए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ. टेंशन एक्ट टूवर्ड सेंटर बट वेट एक्ट्स आउटवर्ड द सेंटर. सो आई हैव टेकन माइनस डब्ल्यू. टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू टेंशन. सो एम स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू. टेंशन इज इक्वल टू एम स्क्वेयर बाई आर प्लस डेल डब्ल्यू. सो ये दो पॉइंट से जस्ट अपोजिट पॉइंट से, लोवेस्ट एंड हाइएस्ट, लोवेस्ट एंड हाइएस्ट. हाइएस्ट पे टेंशन जो होता है मिनिमम होता है. Minimum tension occurs in highest point and maximum tension occurs at lowest point in string. जब body circular motion करेगा, vertical uniform circular motion, तो हम देखते हैं कि जब lowest point होता है वहाँ tension string में maximum होगा, और जब highest point पर होगा तो tension minimum होगा. अब point number two को हम explain करेंगे. एम स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू टी. पॉइंट नंबर टू ये है, यहाँ पे जो है टी टेंशन, जस्ट टेंशन इज जस्ट इक्वल टू एम स्क्वेयर, सेंट्रीपेटल फोर्स इज जस्ट इक्वल टू टेंशन, टेंशन इज जस्ट इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स. वेट डज नॉट प्ले एनी रोल इन हेयर टी एंड आल्सो एफ ई, नो रोल ऑफ वेट. पॉइंट थ्री यही की बात कर रहा हूँ, यही ध्यान से सुनो. Be concentrated here. M square by R is equal to T
पी माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा। यहाँ देखे ये जो एक एंगल बना रहा है इसके साथ, मैंने इसको इस तरह बढ़ा के इस तरह कर दिया और वेट को पैर वही कर लिया जैसा कि यहाँ है, तो यहाँ पैर वही थीटा और ये थीटा आपस में बराबर होंगे ना, तो यही वेट के मैंने टू कंपोनेंट्स के लिए ये सपोज मैंने कह दिया कि ये एक कंपोनेंट है और ये बिल्कुल उसके साथ परपेंडिकुलर जो होगा उसको कहते हैं, तो ये पर ये कंपोनेंट जो है इस एंगल के साथ एडजेसेंट है, तो इसको हम कॉस थीटा लेते हैं, डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये अपोजिट है मतलब एडजेसेंट नहीं है, तो ये डब्ल्यू साइन थीटा। सो डब्ल्यू कॉस थीटा सो टेन सो एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, जस्ट लाइक यहाँ t माइनस डब्ल्यू और यहाँ पे हमने किया t माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा। ओके सो इट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैंने एक एमसीक्यू बनाई है, एमसीक्यू बाय डॉन डैन जो कि मेरा नेक नेम है। द डिफरेंस बिटवीन द टेंशंस of string at highest and lowest points in uniform circular motion will be option A W, option B 2W, two times of it, half of it, C option none। तो चलिए आप try कर ले, इसी खास सालों कर सकते हो तो कर लो, वीडियो स्टॉप करो, और अगर नहीं कर सकते तो चलो मैं करता हूँ। ओके सो सारे आप लोग यहाँ टी प्राइम लिख ले, ओके जो दूसरी पॉइंट मतलब जो भी लिख सकते हैं वो भी टी प्राइम, ये भी टी प्राइम लेते हैं, मी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू टी माइनस टी प्राइम माइनस डबल बल्यू। तो अच्छा अब मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के साथ, इज इक्वल टू टी प्लस W एट हाईएस्ट पॉइंट मींस पॉइंट नंबर वन जो है, इस तरह हमारे साथ ये भी इक्वेशन था एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू टी प्राइम माइनस W इक्वेशन नंबर टू। तो हम देखते हैं कि एम स्क्वायर बाई आर एम स्क्वायर ये तो वही है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो दोनों केस में बराबर, तो मतलब ये साइड बराबर हो गए लेफ्ट साइड आपस में, तो राइट साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो सो हम देख सकते हैं कि टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी प्राइम माइनस डब्ल्यू, तो टी को ऐसे सॉल्व कर दो टी माइनस टी प्राइम इज इक्वल टू उस तरफ कर दिया जाए तो माइनस डब्ल्यू, सारी इस तरह आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस तरफ कर लो टी को उधर कर दो और ये सुना तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब ये देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ज़रा देखे तो ये टू डब्ल्यू इज इक्वल टू द डिफरेंस सॉरी यहाँ टी टी इज इक्वल टू डेल टी डिफरेंस, तो ये टू डब्ल्यू। बस यही पॉइंट नोट कर लें कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वर्टिकुलर, तो हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे हमारे साथ डिफरेंट हाई और डिफरेंट पॉइंट टेंशन होंगे स्ट्रिंग में, तो एक में हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट टेंशन होगा और लोएस्ट पॉइंट पे हमारे साथ टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो उसी बॉडी जो आप वायर करते हैं सर्कुलर मोशन में उसकी वेट की टू टाइम्स के बराबर होगी डिफरेंस बिटवीन द टेंशंस। सो गाइस होप यू विल गॉट योर दिस एमसीक्यू सो विद मोर एक्सप्लेनेशन, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, बाय।